हेलो दोस्तों, टेक इन्फो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डेल का 3567 इंस्पिरेशन मॉडल। इसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने पहले ही डाल दिया अपने चैनल में, अगर आपको वो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की। तो बहुत अच्छा है इसका बिल्ड क्वालिटी दोस्तों, अच्छे मटेरियल से बना है। और इसका जो कीबोर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक चीज़ मेरे को इसमें पसंद है, इसका जो माउस पैड है ये बहुत ही हार्ड है और कभी कभी रेस्पॉन्स भी नहीं करता है। मेरे को पता नहीं ये मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम है या सभी इस मॉडल के सभी डिवाइस में यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना इतना लाउड नहीं है, लेकिन ठीक है नॉर्मल यूसेज में। अगर आपको डीवीडी रीड और राइट का ज़रूरत पड़ता है तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं। इधर आपको डीवीडी राइटर दिया गया है, इधर आप लगा सकते हैं अपना। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी की। ये एक नॉर्मल 720p का स्क्रीन है और इसकी जो ब्राइटनेस है मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसका ब्राइटनेस मैंने फुल कर दिया है और इसको कम करके दिखाता हूँ आपको। तो अच्छा है, नाइट मोड भी इसमें मिलता है आपको, आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब बात करते हैं इसकी वेबकैम की। तो ये भी एक एवरेज साइज वेबकैम है। डे टाइम में तो अच्छा आता है लेकिन नाइट में बिल्कुल दिखाई नहीं देता कुछ भी। और इसकी बूट टाइम की हम बात करते हैं, इसका जो बूट टाइम है वो 1 से 2 मिनट ले लेता है दोस्तों कभी कभी, जो कि विंडोज 10 के हिसाब से बहुत स्लो है। और अगर आप पहली बार बूट कर रहे हैं तो ये थोड़ा लैग करता है उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए, बाद में ठीक चलता है लेकिन पहले कुछ सेकंड या 20-30 सेकंड तक ये लैग करता है। डे टू डे यूसेज में आप इसे ठीक ठाक ही मिलेगा आपको इसका रिजल्ट, लेकिन अगर आप हैवी यूसेज करते हैं तो ये लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए। और इसमें आप विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये 6th जनरेशन है इंटेल का, तो इसमें विंडोज 7 सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं इसकी स्पेक्स की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर विंडोज 10 मेरा लोड है और इसका जो प्रोसेसर है वो इंटेल का i3 प्रोसेसर है और इसका जो CPU है वो है 2.0 GHz और इसका जो RAM है वो है 4GB का और ये मेरा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बस इतना ही है इसमें। तो दोस्तों हम इसका वीडियो प्लेबैक भी देख लेते हैं कैसा आता है। इसका जो वीडियो प्लेबैक मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1080p का वीडियो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ। देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी है इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ये लैग भी नहीं कर रहा है, ठीक ठाक है। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसका जो बैटरी है उसका बैकअप बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूसेज में ये 1 दिन आराम से चल जाएगा आपका, लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप, उसके बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा। और इसमें सारे सेटिंग भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका ब्राइटनेस के हिसाब से भी आपका बैटरी बैकअप पे असर पड़ता है। अगर बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की तो ये 0 to 90% तो 1 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन अगले 10% को इसको 15 या 20 मिनट लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 1 आवर 10 मिनट है इसका चार्जिंग टाइम। और इसके वीडियो कॉलिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक है क्योंकि इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इसकी माइक की अगर बात करें तो इसकी क्वालिटी ओके है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा। अगर बात करें इसकी माइक की तो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था दोस्तों,
इसमें आपको HDMI का पोर्ट मिलता है, तो अगर आप किसी भी HDMI डिवाइस को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का कुछ भी जैसे कि वर्ड नोटपैड हो गया, आपका पेंट हो गया, तो वो सब आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोशॉप भी आप इसमें चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा लैग करता है। अगर बात करें इसकी एडिटिंग कैपेबिलिटी की, तो जैसा कि है सोनी वेगास है, एडोबी प्रीमियर प्रो, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैंने ट्राई किया है, लेकिन ये लैग करता है थोड़ा, और रेंडरिंग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है दोस्तों। अगर आप हाई क्वालिटी पे वीडियो बना रहे हैं और लंबी वीडियो बना रहे हैं, तो आपको लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है काम। अब मैं आपको इसकी रीड राइट कॉपी पेस्ट की स्पीड दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसे मैंने कॉपी करूँगा आप डेस्कटॉप पे, इसकी स्पीड हम देख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने 40 Mbps से स्टार्ट किया था, अब डाउन होके 30-32 पे आ गया है, लेकिन ठीक है दोस्तों, 30 Mbps भी बुरा नहीं है, स्पीड ठीक ठाक है। मैं आपको इसका गेमिंग दिखा देता हूँ। मेरे पास मैक्स पेन 3 है, ये 32 GB का गेम है, तो अच्छा खासा ग्राफिक्स लेता है, और इसमें आपको इंटेल का HD ग्राफिक्स मिलता है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, लेकिन प्ले कर लेता है, लैपटॉप के हिसाब से ठीक है 30,000 के बजट में। देख सकते हैं आप इसका लोडिंग टाइम कैसा है, इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चल जाएगा काम आपका, गेम स्मूथली प्ले करता है। मैंने आपको दिखाया है प्ले करके, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। अगर आप इसका ग्राफिक्स थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो गेमिंग है, तो आपको माउस ही लेना पड़ेगा, आप इसके पैड पे गेमिंग नहीं कर सकते। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है इसका। अगर आपको आपके पास माउस है या फिर आपके पास कंट्रोलर है, तो भी आप गेम खेल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खेलने में कामयाब नहीं हुआ। बहुत हार्ड है इसका माउस पैड, हालांकि डेल का ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, गेम प्ले तो स्मूथ है, लेकिन ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक खेलते हैं तो लैपटॉप थोड़ा हीट होता है,
इतना भी हीट नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा तो हीट होता है जो आप फील कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका मल्टीटास्किंग दिखाता हूँ। मैं जैसे इधर खोलता हूँ कुछ, यूट्यूब खोलता हूँ, जैसे इधर मैंने खोल दिया, ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है रिलायंस का, तो स्लो ही चलेगा। मैंने ट्विटर खोल दिया, याहू खोल देता हूँ, और यूट्यूब खोल देता हूँ। तो इसका जो मल्टीटास्किंग है वो देखने के लिए हम और एक फेसबुक खोल देते हैं। तो ये मैंने खोल दिया है, और कुछ और ऐप भी हम ओपन कर देते हैं। देखा मात्रा अभी देखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे क्रोम पेज ज्यादा ये खोल देते हैं, ज्यादा टैब खोल देते हैं, इधर आपका ऐप लोड लेने में ज्यादा टाइम लगाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर कोई भी ऐप प्ले करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देखिए ओपन हो गया है, लेकिन टाइम लग रहा है थोड़ा। अब मैं आपको फायरफॉक्स भी ओपन करता हूँ। माँ बहन गुरुमी तुम लैपटॉप है, इसका जो आप सीपीयू यूसेज देख सकते हैं, इधर आपको यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए इसका जो सीपीयू एक्टिविटी दिखा रहा है आपको। देखिए मैंने अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अब हो गया, तो इसे भी हम बैकग्राउंड में रख देते हैं। देखिए आप लोड ले रहा है, ये कंट्रोल पैनल, तो हम इसका आप सीपीयू यूसेज देखते हैं। सीपीयू तो ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डिस्क जो है आप 100% यूज है, और इसका मेमोरी भी 76% यूज हो रहा है, इसी वजह से ये लैग कर रहा है। ये देखिए कितना टाइम बाद ओपन होता है, ये एक नॉर्मल यूसेज है दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चल रहा है। और इसे कैंसिल करता हूँ, तो मैं आपको इसका बेंचमार्क टेस्ट करता हूँ। ये ऐप मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया है, और इसे मैं इधर टेस्ट करता हूँ। अब ये बेंचमार्क टेस्ट करेगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और दो तीन मिनट लगेंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राफिक्स टेस्ट शुरू कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेजर कर रहा है कैसा है ग्राफिक्स इसका। अब इसने टेस्ट कर लिया है, अब इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा बेंचमार्क की वेबसाइट में जाके, ये ऑनलाइन टेस्ट है। जैसा कि अब इसने टेस्ट कर लिया है, अब इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा बेंचमार्क की वेबसाइट में जाके, ये ऑनलाइन टेस्ट है।
जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आपको परफॉर्मेंस इसका दिखा रहा है, ये SSD को एक्सक्लूड कर रहा है, अगर लगा हुआ है वैसे तो नहीं है। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ही घटिया है, 13% है इसका गेमिंग रेटिंग। और इसका जो डेस्कटॉप है वो 30% है, ये भी बिलो एवरेज है। और वर्क स्टेशन इधर कुछ है, ये 15% है। तो आप अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस भी है वो 25-26 तक आ जाता है ऑफर टाइम में, तो इस कीमत में ठीक ठाक है इसका परफॉर्मेंस। अगर आप लैपटॉप आपका बजट 30,000 तक है, मेरे हिसाब से ये लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा गेमिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा ऐड करके आप ग्राफिक्स, डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेली यूसेज का काम है, मतलब जैसा कि आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं या फोटोशॉप चला लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप हेवी यूसेज नहीं करते तब तो ठीक है ये लैपटॉप डेली यूसेज के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा हेवी जैसे करते हैं, जैसे कि मैं गेम खेलता हूँ मेरे PC पे, तो आप ये इसमें नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका गेमिंग रिव्यू अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका गेमिंग रिव्यू भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।